चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। क्रिकेट जगत में पाकिस्तान की हसन अली चर्चा में है। उन्होंने मैथ्यू वेट का कैच छोड़ दिया, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल का नतीजा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में करने के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे फायदा उठाने वाले खिलाड़ी ने इससे इनकार किया है और कहा कि अगर ये कैच लपक भी लिया गया होता तो भी उनकी टीम जीत जाती। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे रोमांचक सेमीफाइनल में, आपको बता देते हैं, पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है, जिसमें एरन फिंच की टीम ने 170 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर 30 गेंदों में 49 रन के अलावा वेट 17 गेंदों में 41 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के नायक रहे, जिन्होंने अली द्वारा कैच छोड़े जाने के बाद 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े। वेट ने मैच के बाद कहा, यह कहना मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता कि कैच टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगता है कि हमें उस समय 12 या 14 रनों की जरूरत थी और मुझे लगता है कि मैं उस समय जो मैच था वो हमारे पक्ष में था। उन्होंने कहा, अगर मैं आउट हो भी जाता तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता होता कि क्या होता, लेकिन इतना जरूर था कि जो नेट रन रेट था वो कंट्रोल में था और हम आसानी से उसको चेज आउट कर जाते हैं। एक चीज बड़ी कॉमन है यहाँ पर, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट का इतना जुनून है, इतना पैशन है कि जब आपकी टीम हारती है तो आपके खिलाड़ी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है, उसके ऊपर सारी हार जो है वो उसका ठेकरा फोड़ दिया जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान से हारी तो कुछ खिलाड़ियों को टारगेट किया गया, जिसमें विराट कोहली थे, जिसमें मोहम्मद शमी का नाम शामिल था। अब यही हाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली, जिनकी मैंने बात की, उन्होंने कैच छोड़ा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पाकिस्तान में कि कैच ने उन्होंने वर्ल्ड कप गिरा दिया। और कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि ठीक है वो कैच छूट गया उनसे, लेकिन उसके बाद भी 3 छक्के मैथ्यू वेट ने मारे शाहीन शाह अफरीदी को, तो शाहीन शाह अफरीदी पर सवाल नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत आसान होता है किसी एक इंसान को पकड़ लेना और उसके बारे में मतलब गलत बातें करना, उसको भला बुरा कहना सोशल मीडिया पर, बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के कुछ भी बोल देते हैं। और जिस तरीके से हेटरेट आई हसन अली के लिए, उसके बाद भारत के में भी एक ट्रेंड जो है ट्विटर ट्वीट करने लगा, बेसिकली वो ट्रेंड था आई स्टैंड विथ हसन अली। सो जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि सब कॉन्टिनेंट में अगर आप हारते हैं तो एक सर्टन प्लेयर की आपको ज़रूरत होती है, उस प्लेयर के पीछे लोग पड़ जाते हैं, उसको गंदी गंदी बातें बोलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जो माइंडसेट है, उसका जो मोराल है वहीं पे डाउन हो गया। अगर आप हसन अली को भी देखेंगे तो आंखों में आंसू थे वो कैच छोड़ने के बाद, लेकिन ठीक है, ये मैच है, उसको सिर्फ मैच की तरह ले, हार जीत लगी रहती है। और जो स्टैंड है ना इंडिया का, आई स्टैंड, इंडिया स्टैंड विथ हसन अली, मुझे लगता है एक अच्छा स्टैंड है और इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैच है, सिर्फ क्रिकेट का गेम है, ये कोई वॉर नहीं चल रही यहाँ पर। सो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को बताया और बाकी जो हम न्यूज जिस तरह से कवर करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।